नमस्कार किसान भाइयों, कृषि जान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के बेड़ी गांव में आए हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक बागवानी यहां पे किया गया है। वही यहां पे हमारे जो पीछे जो पेड़ दिख रहा है वो बेर का पेड़ है, तो वही इसके जो बागवान है उनका नाम है सुधीर जी। तो सुधीर जी आज हमारे साथ हैं, तो सुधीर जी से हम जानेंगे कि इन नर्सरी को आपने कैसे तैयार किया, फिर इनको इन पौधों को आपने कैसे लगाया, और इस बाग में आपने किन किन पौधों को आपने रोपित कर रखा है, और इन बाग में कितने दिनों के बाद इसमें फल आने शुरू हो जाएंगे, कितने पेड़ों में फल आ रहे हैं। तो सुधीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत। हम चाहेंगे कि सर्वप्रथम आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सुधीर कुमार, गाँव बिड़वी, जिला सहारनपुर। सर मैं आपसे बताऊं, मैं बीएससी एग्रीकल्चर से मैंने पास की है, लेकिन मैंने उसको 2 वर्ष के बाद ही छोड़ दिया। मेरे दिमाग में आया कि यार क्यों ना अपने खेत पे काम किया जाए, अगर जो मिले ना मिले फिर हमारे पास ठीक था और लोगों को संदेश भी देना था, क्योंकि बिना काम करे बिना प्रैक्टिकल के कोई समझता नहीं। तो मैं तो जब से सीधा अपने खेत में आया और अपनी इस तरह की फसल ले ली जो परंपरागत फसलें थी उनसे हट करके, धान गन्ना गेहूँ के अलावा मैंने बागवानी पर विशेष ध्यान दिया। जैसा आप मेरे बाग में देख रहे हो, मेरे 12 तरह की प्रजातियां हैं इस बाग के, और 7 एकड़ का मेरा खेत है। 7 एकड़ में मैंने अलग अलग लाइनों में जैसे रेड एप्पल बेर लगा, रेड एप्पल कश्मीरी बेर के पेड़ है, ये 1 वर्ष का हुआ। मैं आपसे बताता हूँ इसकी इतनी पैदावार है 1 वर्ष के अंदर, आप देख रहे होंगे, इसको मैंने सपोर्ट देनी पड़ेगी बहुत। 1 वर्ष का पौधा जो है 50 kg से ऊपर फल देगा। इन चीज़ों से ये लाभ है कि पूरे वर्ष भर हमें फल मिलते रहते हैं, निरंतर हमारी आमदनी होती रहती है। इसके अलावा देख करके किसान भाइयों की जो इससे मोह भंग हो रहा था खेती से, उसकी तरफ उसका मोह भी बढ़ता है। तो प्रधानमंत्री जी की हमारी सोच है कि किसान की आय कैसे दोगुनी की जाए, किसान को ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा न कि सरकार को। किसान अगर कुछ अपनी सोच बदल के काम करेगा तो उसमें निश्चय ही आमदनी होगी। अब मेरे पे जो है लगभग 12 प्रकार के फलों के वृक्ष हैं, जैसे कश्मीरी रेड एप्पल हो गया आपका, ये लीची हो गई शाही, और दूसरा हो गया मेरे पास आंवला हो गया, अमरूद की 5 वैरायटी हो गई, आपका आड़ू है, बब्बू कोसा है, सेव है, इस तरह के फल, नींबू है। ये इस तरह के फसल अगर हमारे पास है तो पूरे वर्ष हमें फल मिलेंगे खाने के लिए, और आमदनी का भी स्रोत बहुत बढ़िया है। आपने नर्सरी लगा गिरा रखा है आपने? मैंने खुद स्वयं अपने आप ही जो नींबू है कागजी कला के नाम से है, सीडलेस वैरायटी, उसके मैंने बूटी लगा करके जो मैंने अभी दिखाया था आपसे, वो बूटी से नए पेड़ तैयार कर दिए। अब किसानों को ये दूंगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक बिल्कुल देख रहे होंगे, सब्जी का भी यही कार्यक्रम है मेरा, बिल्कुल ग्रीन बैंगन है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई खाद कोई दवाई नहीं है। इन तरह का काम होना चाहिए। फल को जो है जहर मुक्त भी रखना जरूरी है, फल को अपनी सब्जियों को कम से कम दवाई का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें कोई केमिकल ना लगे, केमिकल नहीं, ये फेरोमोन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर क्या है, ये लकड़ी का पीस है, इसके अंदर एक ऐसा केमिकल लगा है, इसके अंदर एक खुशबू है, और उस खुशबू पे ये नर कीट जो है ये आता है, और एंट्री तो हो जाता है यहाँ से, लेकिन बाहर निकलने का इसका पास कोई रास्ता नहीं है। तो सब इकट्ठा देख रहे होंगे आप, यही ये इसको यहीं मर जाना पड़ता है। तो इसकी प्रजनन क्रिया जब नहीं होगी तो संख्या में कमी आएगी निश्चय, आपने पता है स्वाभाविक है। ये सारे नर इकट्ठे हो जाते हैं, 1 एकड़ में 6 होने चाहिए, ये भी मैंने लगा रखा है इसके साथ। अमरूद की बहुत सी वैरायटी है मेरे पास, देखो आप देख रहे होंगे ये वर्ष भर चलता है, फूल भी आ रहा है, देख रहे हैं आप कली बन रही है, अमरूद भी तैयार है, आओ दिखाता हूँ आपको। 4-5 वैरायटियों का अमरूद है, देखो ये तैयार है अमरूद सर्दियों के लिए, बरसात का भी समाप्त हुआ है, सर्दी का नाम का चल पड़ा है निरंतर। ये लगभग 800 ग्राम का तैयार हो जाएगा। ये थाई 1 kg के नाम से हाइब्रिड वैरायटी है, टेस्ट बहुत अच्छा है। ये थाई वाइट भी है मेरे पास, थाई 1 kg भी है, और इलाहाबाद सवेता। तो सुधीर जी एक पेड़ से कितने फल आ जाते हैं? ये 2 वर्ष का पेड़ है, इससे 50 kg अमरूद उपलब्ध हो जाएंगे। ये देख रहे आप सर्दी के लिए तैयार है, बरसात का मैंने बहुत कम लिया है, और दोबारा फिर फूल आना शुरू हो गया। तो ये 3 एकड़ तो हो गया अमरूद। अब इसके अलावा मैं आपसे बताऊं, 1 एकड़ हो गया अपना आड़ू, ये आड़ू का पेड़ है, देखो ये आड़ू की लाइन यहाँ से आपका आड़ू हो गया। ये नाशपत्ती, इसको हम बब्बू गोसा भी बोलते हैं, नाशपत्ती का ही उसी फैमिली से आता है, इसका टेस्ट और सॉफ्ट बहुत है, ये साइज भी बड़ा है नाशपत्ती से,
इसको बोलते हैं बब्बू गोसा, उसी फैमिली से है, बहुत अच्छा टेस्ट है। आप लोगों ने अभी तक ये सुना होगा कि सेव का उत्पादन केवल कश्मीर में होता है, अब ऐसा नहीं है। अब हमारे साइंटिस्टों के प्रयास से अब यहाँ भी यानी कि 48 डिग्री टेम्परेचर भी ये सफल हो जाता है। ये अन्ना वैरायटी है सेव की, एक हरिमन शर्मा 99 है मेरे पास, दोनों वैरायटी है। ये हरिमन शर्मा 99 का पेड़ है, ये अन्ना का है। इनके पौधा कहाँ से लाए थे आप? ये हिमाचल से लेकर आता मैं, हिमाचल से। हिमाचल में तो टेम्परेचर कम वाले होंगे। हाँ, वो तो हमारे से यहाँ जुड़ा हुआ है ना, यहाँ से 30 किलोमीटर हिमाचल का एरिया है। अच्छा, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, पौध का आकार अभी ही कितना छोटा है, फिर भी इसमें फलाना शुरू हो गया। ये बब्बू गोसा का पेड़ है और बहुत अच्छा मार्केट वैल्यू इसका 200 रुपये KG, 300 रुपये KG तक है। इसमें नीचे मैंने चारे के लिए बरसीम की बुआई कर रखी है, चारा भी हो जाएगा और फल भी। जब तक मेरे पेड़ चार पाँच साल के होंगे, जब तक मैं इसमें बीच में चारे की फसलें लेता रहूँगा। आप देख रहे होंगे, देखो ये बब्बू गोसा का पेड़ है, कितने फूल भी आ रहे हैं ये देखिए, और फल भी चालू है। ये देखो फूल देखिए। तो किसान भाइयों, आमतौर पर आप देखते हैं कि हिमाचल के सेब आते हैं या फिर कश्मीर के सेब आते हैं, यूपी के सहारनपुर ज़िले में भी सेब की खेती कर रहे हैं, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें फल भी आने शुरू हो गए हैं। मैं आपसे बताऊं, जब हम बाग केयर कर रहे हैं, देख रख रखाव कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी सब्जियों की व्यवस्था भी वहीं कर लें। मैंने इसको कर रखा, ये पूरी लाइन जो है ये फेंसिंग बना रखी है, जंगली जानवर को जाके पूरा 7 एकड़ का खेत है, इसमें फिर मैंने फेंसिंग करा रखी है, पोल लगा के, और अपनी लौकी की सब्जियाँ भी इस पर ले रहा हूँ, पहले करेला भी था, तो ये भी होना चाहिए। क्योंकि किसान का जो पैसा है वो बाज़ार में कम से कम जाए, बाजार में केवल उसका उत्पादन जा, उसकी आय बढ़ेगी। फेंसिंग के लिए आपको कोई अनुदान नहीं मिला या फिर हमने पैसा लगाया? इस समय अपने आप पैसा लगा, कोई अनुदान नहीं था इस पर। और किसी किसान को 1 एकड़ में फेंसिंग करवाना तो कितना अमाउंट लग जाएगा? 80,000 के आसपास। जैसा है किसान भाइयों, आप लोगों ने देखा कि कितनी शानदार यहाँ पे बागवानी हुई है, और यहाँ पे मतलब एक छोटे से दायरे में ही मतलब इन्होंने अलग अलग पेड़ों का बाग लगा रखा है। जैसा कि उन्होंने स्टार्टिंग में बताया था कि इन्होंने 12 तरह के यहाँ पे वृक्ष लगा रखे हैं, जिसमें सेब से लेके अमरूद, आंवला, यहाँ पे सब कुछ है। तो हम सुधीर जी से चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई जो हमारे हमें सुन पा रहे हैं, उनको एक ऐसा कोई ऐसा मैसेज दें जिससे वो भी प्रेरित होकर इस तरह की सफल बागवानी करें। तो सुधीर जी, किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अपने किसान भाइयों को एक सलाह देना चाहता हूँ कि पुरानी पद्धति से जो बाग लगाते थे उनकी दूरी बढ़ा करके लगाते, प्रति एकड़ जो है पौधों की संख्या कम थी, अब हमने पौधों की संख्या 1 एकड़ में ज़्यादा बढ़ाई, इससे हमें एक लाभ होगा। एक पेड़ से हमें पहले वर्ष 50 KG या 25 KG मिलता था, तो जब हम पौधों की संख्या बढ़ा देंगे तो जस्ट उसका डबल हो जाएगा। और एक चीज़ और बताऊँ, जितने भी ये फल है, जितनी हम इसकी कटिंग करेंगे उतना ही पौधे का साइज और शानदार फल देगा। यानी कि कटिंग के बाद जब नई मोल आएगी तो नए फल का निर्माण होगा और फल की क्वालिटी होगी। अगर हम पेड़ की दूरी बढ़ाकर पेड़ लगाए उनकी कटिंग करेंगे तो कुछ बचता ही नहीं, तो कटिंग करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने सघन पद्धति से 10x10 पे लगाया है, इसकी जो फल का जो उत्पादन है वो एकदम डबल होता चला गया। और मैं अपने किसान भाइयों से ये कहूँगा कि कभी भी एक फलदार वृक्ष ना लगाएं। ये कुमकाट वैरायटी है जो पाकिस्तान से इसका उद्गम हुआ है, वहीं की वैरायटी है, तो इस तरह का भी बीच में समायोजन होना चाहिए। फल, सब्जियाँ, नर्सरी का भी काम करें, उससे भी आमदनी है, तो किसान की रुचि बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। भाई जब आय बढ़ेगी रुचि तो अपने आप हो जाएगी फिर, यही तरीका है किसान की आमदनी बढ़ाने का, नहीं और कोई दुनिया में तरीका नहीं है। मैं तो अपने किसान भाइयों से ये कहता हूँ कि कुछ ना कुछ यूनिक काम करिए ताकि रुचि बढ़े। तो हम आशा करते हैं कि किसान भाई सुधीर जी से बागवानी का तरीका जान के जाहिर सी बात है काफ़ी वो लाभ उठाएंगे। और इसके अलावा सुधीर जी से कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इनका नंबर है, वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कृषि से संबंधित अन्य जानकारी के लिए कृषि से जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।